ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज देन बी अलोन कैन डू इट इन ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी ए और बी की जो रेशो है वो है 2:1 बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज ए और बी का वन डे वर्क है 1/12 वन ओवर में आएगी तो हमें बी का फाइंड करना है बी इज इक्वल टू बी की रेशो 1 है 1/ हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2+1 3 इंटू 1/12 तो ये आएगा 1/3 इंटू 12 36 तो बी अकेला 36 डेज में काम करेगा राइट ऑप्शन इज सी ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज इंडिपेंडेंटली then the number of days in which A and B can together finish the work is A और B की जो रेशो है वो है 2:1 B का जो एक दिन का काम है वो 1/ में आएगा 1/12 तो अब A का एक दिन का काम आएगा twice है A तो 2 into twice as B 1/12 तो ये कैंसिल करके आएगा 1/6 तो A और B का एक दिन का काम आएगा 1/12 प्लस 1/6 तो एलसीएम आएगा 12 1 प्लस 2 तो ये आएगा 3/12 कैंसिल करके आएगा 1/4 तो ए और बी दोनों कोई काम 4 डेज में फिनिश करेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C can do a piece of work in 8 days. B and C together do it in 24 days. B alone can do it in 40 days. In what time will it be done by C working alone? A, B and C कोई काम 8 days में करते हैं. A, B and C. 8 days में. B and C 24 days में करते हैं. बी अलोन कैन डू इट और अकेला बी कोई काम 40 डेज में करता है तो हमें फाइंड करना है कि सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा तो सी का फाइंड करना है हमें तो इन दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सी इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 24 ओवर 40-24 इज इक्वल टू 16 कैंसिल करेंगे 4 4 16 4 10 40 4 6 24 तो सी करेगा 10 × 6 60 डेज में ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज B and C do the same work in 36 days and A, B and C together finish it in 18 days. In how many days will A alone complete the work? A and B कोई काम 24 days में करते हैं. 24 days और B and C same काम 36 डेज में करते हैं और ए बी एंड सी सेम काम 18 डेज में करते हैं तो ए अकेला सेम काम कितने दिनों में करेगा तो ये वाला क्वेश्चन इन दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है इसे हम वाई मान लेंगे और इसे हम एक्स मान लेंगे एक्स वाई ओवर y माइनस एक्स एक्स की वैल्यू है 18 मल्टीप्लाई 36 ओवर 36 माइनस 18 18 से 18 कैंसिल तो 36 डेज में तो ए अकेला सेम काम 36 डेज में करेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैक्ट्री 20 पीपल कैन मेक 20 टॉयज इन 15 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे Then in how many days can 25 persons make 30 toys working 20 hours per day? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है
एम वन मल्टीप्लाई डी वन मल्टीप्लाई टी वन मल्टीप्लाई डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एम टू मल्टीप्लाई डी टू मल्टीप्लाई टी टू मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन। तो एम वन की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई डी मीन्स डेज, डेज है 15, डी वन इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई टी वन है 10 मल्टीप्लाई डब्ल्यू टू है 30 इज इक्वल टू एम टू है 25 मल्टीप्लाई डेज हमें फाइंड करने हैं इसे हम मान लेंगे एक्स मल्टीप्लाई टी टू, टी टू की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन की वैल्यू है 20। एम वन की वैल्यू 20 डब्ल्यू वन की वैल्यू 20 डी वन 15 टी वन 10 एम टू 20 डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 30 एंड टी टू इज इक्वल टू 20 और हमें डी टू फाइंड करना है। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 9, तो x इज इक्वल टू 9 डेज, ऑप्शन बी।